अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हिंदुस्तान अपनी हैसियत से, ख़ासकर यहाँ की तिजारती सन्नतों के लिहाज से बहुत मशहूर था। हत्ता के बाज़ रिवायतों में यहाँ तक शहादत मिलती है कि हिंदुस्तानी शक्ल व सूरत को अल्लाह के रसूल खूब पहचानते थे। एक कबीला आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि तुम हिंदुस्तानी मालूम होते हो। गोया के चेहरे से पहचान लेने की हद तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान को जानते थे। तो इसी वजह से क्या है, फरमाया कि तुम तो हिंदुस्तानी मालूम होते हो, हालांकि वो कोई और कबीला। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न मसूद की इस रिवायत में, जिसमें वो कहते हैं कि एक रात जिन्नों को दर्स देने के लिए गए, जिन्नों को, और वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने एक लकीर खींची, कहा कि इब्न मसूद यहाँ बैठ जाना, कुछ भी हो जाए इस लकीर से बाहर ना आना। फिर इसके बाद इब्न मसूद कहते हैं कि हत्ता के फजर की नमाज का वक्त करीब हो गया, तब जाके अल्लाह के रसूल वापस आए और मैंने देखा कि बहुत से जाट कबीले के लोग, जट कबीला जो कहाँ का कबीला, हिंदुस्तान का है, जट कबीले के लोग, हाँ, जो राजपूत बाद में बने ना, इनका नाम है, तो ऐसे सूरतों वाले मेरे करीब लकीर तक पहुँचते, लेकिन लकीर के अंदर नहीं आते, बल्कि पलट के वो किसी दूसरी तरफ चले जाते थे, मैं देखता रहा। तो सहाबा को भी मालूम था हिंदुस्तान भी है और हिंदुस्तान के अफराद कैसे होते हैं, हत्ता के उनके बास कबीले खानदान के नाम भी मालूम थे कि ये जाट हैं, ये फलां हैं, जो बाद में हमारे लिए इस्तेमाल, तो वहाँ पहले क्या है, जात से इस्तेमाल होता था। और इसी तरह याद रखिए, फिर इसके बाद जो दौर हमारे पास आया, उस दौर में आप गौर से देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे हिंद की पेशनगोई की, जिस पर मेरा एक पूरा बयान है एक घंटे का, आप उसमें तफसील देख लें, कि अल्लाह के रसूल ने ख़ासिया तौर पर इसका नाम लेकर, अल हिंद का नाम लेकर कह दिया कि एक लश्कर होगा जो इसको फतह करेगा भी, और इसको फतह करने वाला लश्कर बहुत ही बाइज्जत होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या है, मग़फ़िरत कर देगा। और इस हैसियत से अबू हुरैरा वगैरह कहा करते थे कि अगर मुझे उस वक्त जाना चाहे और मुझे उस वक्त परेशानी हो, तंगी हो, तो मैं अपना कुल माल बेच के भी उस गज़वे में शरीक हो जाऊंगा, जिसमें अल्लाह के रसूल ने गारंटी दी है कि कोई शरीक हो गया तो उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा इसकी तरफ मुसलमान आएंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। ये दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में कह दिया, जबकि यहाँ पर उसका नामो निशान भी नहीं था। इसी तरह तारीख के एतबार से एक दूसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है, वो मक्की ज़िंदगी में हिंदुस्तान का ताल्लुक मालूम होता है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के दो टुकड़े किए, तो यहाँ का राजा उस वक्त अपनी आँखों से उसको देखा। फिर इसके बाद मुसाफिर बन के चलता चलता पहुंचा। बाज़ रिवायतों में है कि ये, बाज़ रिवायतों में है कि इसका आने वाला जानशीन बेटा इस्लाम कबूल किया। उस वक्त की बात है जब अभी मक्की मदनी दौर भी नहीं शुरू हुआ था, सिर्फ मक्की दौर। मक्की दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतला, अरबों की इतला हिंदुस्तानियों को मिल चुकी थी और हिंदुस्तानी लोग अरब पहुँच चुके थे। और दूसरी बात, तिजारती ताल्लुकात इतने मजबूत हुआ करते थे कि बहुत सी तिजारतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तसिल दौर में हिंदुस्तान में आने से हुई, जिसमें अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बाज़ों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि 14 सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन वफात के बाद, यानी थोड़ी मुद्दत के बाद हिंदुस्तान आए। 14 लोग हैं, 14 सहाबा यहाँ पर। हाँ, ये और बात है कि ये गलत रिवायत मंसूब है, जो यहाँ के लिए तमीम अंसारी के लिए सहाबी रसूल का लफ्ज़ लिखा हुआ है और उस दरगाह बनी हुई है। तमीम अंसारी का नाम सहाबा की लिस्ट में आता ही नहीं, कहीं किसी सहाबी का नाम तमीम अंसारी नहीं आता है। एक सहाबी मिलते हैं जो 9 हिजरी में इस्लाम कबूल किया और दज्जाल की इतला दी, उनका नाम था तमीम दारी, तमीम अंसारी नहीं, तमीम दारी था। इनका नाम आया है और ये हिंदुस्तान आने वालों की लिस्ट में नहीं है। तो ये कोई और थे जिनको क्या है, सहाबी रसूल की खबर मशहूर कर दिया गया और चेन्नई के लोगों में क्या है, बहुत ज़्यादा दीनी है और दीनी मजहबी क़ियादत और उनके लिहाज से उनके अकायद बनते हैं, तो चलो दरगाह भी हो गई, फिर उसके बाद खाना भी हो गया, फिर उरुस भी हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तो ये चीज़ें बना ली गई हैं, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन इतना तो सबूत है कि 14 से ज़्यादा सहाबा यहाँ पर कदम रखे,
और सबसे पहली मस्जिद केरला के साहिल पर हुई, और वो भी तकरीबन क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के आने से भी पहले, 715 से पहले।